महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी से मंत्री नवाब मलिक को लेकर अभी अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। नवाब मलिक की मुश्किलें अब बहुत ही ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उसके पीछे का रीजन है उनके द्वारा लगाए गए अलग अलग तरीके के एलिगेशन। अभी तक आपने देखा कि उन्होंने समीर वानखेड़े और कई बीजेपी के बड़े पॉलिटिशियन के ऊपर निशाना साधे हुए थे और उनके द्वारा कई इल्जाम उनके ऊपर लगाए गए थे, जिसको लेकर कई लोग जो है कोर्ट तक पहुंचे थे। लेकिन अब इन्हीं सब चीजों के बीच में एक और अपडेट आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने इनके खिलाफ 1,000 करोड़ रुपए का मानहानि का केस दर्ज कराया है मुंबई हाईकोर्ट में, जिस पर जो है कल मुंबई हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई थी। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा ये दावा किया गया है कि पिछले कुछ टाइम पहले महाराष्ट्र में कई जगहों पे बैंक के खिलाफ में बेसलेस और शॉकिंग स्टेटमेंट जो है लिखकर कुछ होर्डिंग्स लगाए गए थे जो कि बैंक के खिलाफ में थे, और ये आरोप उनके द्वारा लगाया गया है कि जो होर्डिंग्स लगवाए गए थे वो नवाब मलिक के कहने पे लगे थे, जिसको लेकर वो कोर्ट में पहुंचे हैं और उन्होंने 1,000 करोड़ रुपए का मानहानि का केस दर्ज किया है। आपको बता दूं कि यहाँ पर जो बैंक है कोऑपरेटिव बैंक, उनके द्वारा ये भी बोला गया है कि हमने पहले इनको लीगल नोटिस भेजी थी और इनसे बोला था कि ये जो है इस पर माफी मांग लें, लेकिन नवाब मलिक ने माफी मांगने से साफ साफ मना कर दिया और साथ में ही उन्होंने ये भी बोल दिया कि मेरे कहने पे कुछ भी नहीं किया गया है, मतलब कि वो जो भी होर्डिंग्स लगी है वो मेरे कहने पे नहीं लगी है। जिस पर कल जो है कोर्ट ने अपना फैसला भी सुनाया। कोर्ट की तरफ से बोला गया कि प्रथम दृष्टि में जो देखकर लग रहा है वो ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के बैंक की जो इमेज है उसको खराब करने के लिए नवाब मलिक के द्वारा ऐसा किया गया है। तो आखिरकार ये किया क्यों गया है, इसको लेकर अब नवाब मलिक से क्वेश्चन पूछा गया है कोर्ट के द्वारा, और उनके द्वारा सीधा सीधा बोला गया है कि 6 हफ्ते के अंदर अंदर इस पे नवाब मलिक अपना रिप्लाई दे, अपना स्टेटमेंट जो है वो दर्ज कराए। अब देखते हैं 6 हफ्ते के अंदर अंदर नवाब मलिक अपना स्टेटमेंट दर्ज करवाते हैं या नहीं, क्योंकि उनके खिलाफ अब लगातार कई मानहानि के केस जो है वो दर्ज हो रहे हैं, और हो सकता है ऐसा ही चलता रहा तो इनके ऊपर कोई न कोई बड़ी कार्रवाई जरूर होगी। आपका क्या ओपिनियन है इस पर, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।